नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप पिछले कुछ हफ्तों से खबरों में बना हुआ है। करीब 65,000 की आबादी वाला ये द्वीप राजनीतिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। अब नया विवाद लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल के बयान को लेकर खड़ा हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। आमतौर पर शांत कोरल रीफ और अपने समुद्री तालों के लिए मशहूर लक्षद्वीप खबरों से दूर ही रहता है, लेकिन पिछले दो हफ्ते से ये सुर्खियों में है। इसकी वजह है यहाँ के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के हाल के महीनों में उठाए गए कदम। दरअसल दमन द्वीप और दादर नगर हवेली के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को दिसंबर 2020 में लक्षद्वीप का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। तब से उन्होंने यहाँ बीफ बैन कर दिया है, शराब पर लगी पाबंदी हटा दी है, नए डेवलपमेंट अथॉरिटी को असीमित अधिकार दे दिए हैं और एक सख्त कानून पारित किया है। इसके खिलाफ यहाँ के लोग सड़कों पर हैं। उन्हें डर है कि उनकी जमीन, उनके अधिकार, रहन सहन और संस्कृति खतरे में है। स्थानीय लोग प्रशासन के नए प्रस्तावों को लक्षद्वीप की सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे पर खतरे के रूप में देख रहे हैं। केरल में भी प्रफुल्ल पटेल के फैसलों का लगातार विरोध हो रहा है। वहीं लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल पीपी भी केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि प्रफुल्ल पटेल को वापस बुला लिया जाए। मोहम्मद फैजल ने कहा कि प्रशासन ने नए प्रस्तावों को लेकर किसी से कोई बात नहीं की, ना ही सांसद और ना ही जिला पंचायत से कोई बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन ड्राफ्ट का है। इससे लोगों को डर है कि लोगों की जमीन छीनने का अधिकार प्रशासन को मिल रहा है। दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड द्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को पिछले साल दिसंबर में लक्षद्वीप की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बाद से ही वे लक्षद्वीप एमिनल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन, लक्षद्वीप प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज रेगुलेशन, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन और लक्षद्वीप पंचायत स्टाफ रूल में संशोधन जैसे ड्राफ्ट ला चुके हैं। लक्षद्वीप एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन के जरिए और बीफ के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का आदेश है। इसे लेकर मोहम्मद फैजल ने कहा कि लक्षद्वीप के लोग सालों से बीफ खा रहे हैं। हमारी खाने की आदत एक संवैधानिक अधिकार है। प्रशासन का प्रस्तावित आदेश खाने की आदत में हस्तक्षेप करने की कोशिश है। यहाँ के बच्चों के मिड डे मील से नॉन वेज खाने को हटाया जा रहा है। ये हमारे संवैधानिक अधिकारों पर हमला है। हालांकि बीजेपी ने प्रफुल्ल पटेल का बचाव करते हुए दावा किया कि भ्रष्ट प्रथाओं को खत्म करने और विकास कार्यक्रमों की शुरुआत करने पर विरोधी प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं केरल के यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सांसदों ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित जन विरोधी कानूनों को वापस लेने की मांग की। केरल से सटे लक्षद्वीप को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 1956 में दिया गया था और यहाँ कुल 36 द्वीप है। इनमें सिर्फ 10 द्वीपों पर आबादी रहती है। यहाँ की कुल आबादी में 96% जनसंख्या मुस्लिमों की है और इनमें 94.8% अनुसूचित जाति है। यहाँ के लोग मलयालम और दिवेही भाषा बोलते हैं। लक्षद्वीप के विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रफुल्ल पटेल की ओर से ये फैसले लिए गए थे, लेकिन तुष्टिकरण की हद तो देखिए। स्थानीय सांसद को बीफ खाना संवैधानिक लगता है, लेकिन सांसद जी ये पूछना चाहिए कि संविधान में कहां लिखा है कि बीफ खाना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।